हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ट्यूटोरियल ये हेडबैंड है जो मैंने सैटिन रिबन से बनाया है। ये जो पिक्चर में आप टूटू स्कर्ट देख रहे हैं, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इसको बनाने के लिए एक सैटिन रिबन लिया है जो कि 1.5 इंच विड्थ का है, और इसके लिए मुझे दो साइज़ की कटिंग करनी है फ्लावर बनाने के लिए। एक साइज़ 2.5 इंच है लेंथ, और दूसरा साइज़ होगा 2 इंच लेंथ। तो मैंने 2 इंच के पीसेस करे हैं 10 पीस, और 2.5 इंच के 15 पीसेस कटिंग करी है। अब मैंने ये 2.5 इंच वाला लिया है, और इसको मैं यू शेप दूंगी कटिंग करते हुए। इसकी एजेस कट करनी है, ऊपर से थोड़ा राउंड बनाना है, राउंड करते हुए इसके कॉर्नर में हटा दूंगी, और एकदम पतला सा काट दूंगी किनारे का, बस ये इसकी एज ख़त्म हो जाए। देखिए मेरा यू शेप की पेटल तैयार है, और ये इसको भी मैं सेम कटिंग करूँगी। ये 2 इंच वाली पेटल है, दोनों मैंने सेम कटिंग कर ली है। अब मैंने एक कैंडल ली है, कैंडल या आप लाइटर कुछ भी ले सकते हैं, फ्लेम वाला लाइटर। और फिर इसको साइड से थोड़ा बर्न करके ट्विस्ट करना है। आपको ये प्रोसेस जल्दी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर एक बार वो ठंडा हो गया तो फिर वो ट्विस्ट नहीं हो पाएगा, और उसको पेटल का शेप नहीं मिलेगा। तो जल्दी जल्दी करते जाएं, सिर्फ फ्लेम दें और उसको ट्विस्ट करें। फ्लेम देना है और ट्विस्ट करना है, ऐसे हम पूरी पेटल में कर लेंगे। देखिए मैंने पूरी पेटल को एक शेप दे दिया है। ये मैंने स्मॉल वाला साइज़ है 2 इंच का, और उसके पेटल्स 10 पीसेस हैं, और ये बड़ा साइज़ है, उसकी 15 पीसेस मैंने ऑलरेडी करके रखे हैं। अब मैंने यहाँ पे सुई धागा लिया है, सुई धागे की हेल्प से मैं सारी जो एक साइज़ की पेटल है उनका एक फ्लावर बना दूँगी। ये पेटल का डाउन साइड वाला पोर्शन है स्टिच करना है, और मैंने 2 इंच वाला पेटल लिया है, 2 इंच वाली पेटल का ही मैं फ्लावर बना रही हूँ अभी। यहाँ पे सारी पेटल्स मैं स्टिच कर दूंगी। ये सारी 2 इंच वाली पेटल्स एक साथ स्टिच हो चुकी हैं। अब यहाँ मैं पीछे एक नॉट लगा दूंगी, इसमें दोनों धागे के एंड लेके इसमें एक नॉट लगानी है। नॉट लगाने के बाद इनकी सारी पेटल्स को एडजस्ट कर दिए। फ्लावर के बैक साइड पे मुझे स्टिचिंग और थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी है, ताकि ये
पेटल्स लूज ना हो जाए। ये मेरा एक फ्लावर रेडी हो गया है। अब मैं 2.5 इंच वाली पेटल्स लेके उनका फ्लावर बनाऊंगी। यहाँ भी मैंने सेम प्रोसेस करना है जो मैंने 2 इंच वाले फ्लावर में किया था, सेम वो भी यहाँ पे करना है। ये मेरे दोनों फ्लावर्स बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको ऐसे जोड़ूंगी, बट उससे पहले मुझे यहाँ पे इसके टॉप वाले फ्लावर की लेयर में बीड्स लगाने हैं। ये बीड्स मैंने वाइट कलर के लिए हैं। इनको मैं ग्लू गन से फ्लावर के टॉप में फिक्स कर दूंगी। ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर देंगे। जो बचा हुआ धागा है उसको ग्लू गन की हेल्प से फिक्स कर देंगे उसमें, ताकि वो ऊपर दिखे नहीं। अभी मैंने बिग पेटल वाला फ्लावर लिया है, उस पर थोड़ा सेंटर में ग्लू डालेंगे। ग्लू डाल के इन दोनों को फिक्स कर देंगे। और इसका ड्राई होने तक वेट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये फ्लावर बनके तैयार है। आप इस फ्लावर को किसी और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या किसी ड्रेस में भी इसको लगा सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने हेडबैंड में यूज़ किया है। इसके लिए मैंने इलास्टिक बैंड लिया है जो कि 12 इंच लेंथ में है टोटल। ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए है, तो इसका साइज़ 12 इंच रखा है मैंने। लेंथ पूरे इलास्टिक का है। ये मैंने बैक साइड पर वाइट फैट सर्कल लगाया है, इससे मैंने इलास्टिक सिक्योर कर दिया है और इसका बैक साइड में ग्लू भी नहीं दिखेगा। और यह मेरा हेडबैंड बनके तैयार हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा हेडबैंड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो ये वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको फ्यूचर में और भी इस तरह के वीडियोज़ चाहिए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी हिट करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं वीक में 2 से 3 वीडियो शेयर करने वाली हूँ हर वीक। और मेरी ये वीडियो देखने के लिए बिग थैंक्स। और सो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।